महाराष्ट्र के 7 गांव में 7 जुलाई तक लगा लॉकडाउन। क्या शुरू हो गई है तीसरी लहर? महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव भले ही कम हो गया हो, पर यहाँ के कुछ जिले अभी भी बढ़ते मामलों के कारण लॉकडाउन की राह पर हैं। प्रशासन ने कोरोना हॉट स्पॉट वाले 7 गांवों को बंद करने का फैसला किया है। जी हाँ, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का काटेवाड़ी गांव भी शामिल है। पुणे जिले में बारामती तालुका में अब भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। महामारी की दूसरी लहर के वक्त यहाँ एक दिन में 500 मरीज पाए जा रहे थे, तब से लेकर अब तक यहाँ मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही थी, लेकिन लॉकडाउन में छूट के बाद यहाँ कोरोना पॉजिटिव मामलों में इजाफा होने लगा है। बारामती प्रांताधिकारी दादा साहेब कांबले ने तालुका के 7 बड़े गांवों में एक बार फिर से 7 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया है। बारामती में अब तक 25,441 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 24,474 मरीज ठीक हो चुके हैं। फिलहाल गांव में 950 से ज़्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं, जिसके कारण संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मामलों को नज़रअंदाज न करते हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के गांव में प्रशासन ने कोविड टेस्ट करवाया था, जिसमें से 27 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद प्रशासन द्वारा 7 दिन के बंद का ऐलान किया गया है। अब चर्चा यह भी होने लगी है, क्या डेल्टा वेरिएंट के साथ महाराष्ट्र में संक्रमण का ग्राफ बढ़ने लगा है? क्योंकि जब जब महाराष्ट्र में संक्रमण के मामले बढ़े हैं, तब तब दूसरे राज्यों के लिए भी खतरा साबित हुआ है। ऐसी जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने दी है।